हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम विश्व की महानतम शासक अशोक के धम्म के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है, लेकिन उसकी अशोक की महानता उसके एक विशाल साम्राज्य के कारण नहीं थी, अपितु अशोक के द्वारा जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो कार्य किए गए और मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए उसने जो कार्य किए, उन कार्यों ने अशोक को विश्व के महानतम शासक उन कार्यों ने अशोक को विश्व का महानतम शासक वो बना दिया। विश्व की अशोक की महानता का कारण अशोक की धम्म की नीति को माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक प्रारंभिक जीवन के अंदर बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार बड़ा क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में उसकी गणना की जाती थी, लेकिन अशोक ने जो कल अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो कलिंग युद्ध किया और उस कलिंग युद्ध के पश्चात उसके हृदय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और उन परिवर्तनों के पश्चात उसने न केवल बौद्ध धर्म अपना लिया, व्यक्तिगत रूप से अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, लेकिन प्राणी जनता अपनी प्रजा के लिए उसने इस धर्म को उसने थोपा नहीं, अपितु प्रजा के लिए अपनी प्रजा के लिए उसने अब जिस धर्म का प्रचार किया, उस जिस बातों का प्रचार किया, प्रचार प्रसार किया, उसको अशोक के अभिलेखों के अंदर है वो धर्म कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार संहिता को प्रस्तुत किया उसे अभिलेखों के अंदर है वो धर्म कहा जाता है। यद्यपि जो धम्म शब्द है वो संस्कृत का एक प्राकृत संस्कृत भाषा का जो एक एक एक, एक, एक संस्कृत भाषा में धम्म को है वो धर्म का एक एक प्राकृत रूप है वो कहा जाता है, लेकिन अशोक के संदर्भ में इसका अर्थ इससे ज़्यादा था, क्योंकि अशोक है उसने एक तरह से नैतिक उत्थान या एक तरह से आचार संहिता के संदर्भ में है इस धम्म का प्रयोग किया। ये धम्म क्या था इसके विषय में जानने का एक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो अशोक के जो दूसरा जो स्तंभ लेख है और अशोक का जो सातवां स्तंभ लेख है उसमें अशोक है के धम्म के विषय में वो जानकारी मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे स्तंभ लेख के अंदर है वो अशोक है वो स्वयं अपने आप से पूछता है कि चू धम्म है, अर्थात धम्म क्या है, और इसका उत्तर अशोक स्वयं देता है और वो ये कहता है कि अपासी नव भोग कथाने दया दाने सचे सोचिए। अर्थात अशोक ये कहता है कि अपाशिनव दुष्कार्यों से बचना चाहिए, जो बहु कथा ने बहुत से कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए, सत्यता बोलनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको सामूहिक रूप से है वो अशोक है वो धम्म कहता है। अर्थात दूसरे स्तंभ लेख और सातवें स्तंभ लेख में वर्णित जो धर्म की परिभाषा के अनुसार है वो जो अपाशिनव भव कथा ने दया दाने सचे सोची है को धम्म कहा गया। अशोक की जो धम्म है उसके दो पहलू है वो नज़र आते हैं, जिसमें अशोक के धम्म का एक जो पहलू है वो व्यवहारिक पहलू है, जिसका उल्लेख अशोक जो द्वितीय स्तंभ लेख के अंदर धम्म के जिन उपादानों का जो वर्णन करता है उसके उसको व्यवहार में लाने का जो जो जो, जो मेथड है वो अशोक है, वो अपने द्वितीय स्तंभ लेख के अंदर द्वितीय जो सर्वी लघु जो शिलालेख है उसमें वो बताता है। और अशोक ये कहता है कि अशोक के जो धम्म का जो व्यवहारिक पहलू है उसके अंतर्गत अशोक ये कहता है कि जो मनुष्य को है वो विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात प्राणवाड़ जंतुओं की है वो हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों के किसी भी प्रकार के जीव को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, मित्र परिचित या संबंधियों का है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दासों व सेवकों के साथ है वो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अल्प व्यय करना चाहिए और अल्प संग्रह भी अल्प करना चाहिए। तो अशोक ने व्यवहारिक पहलू के अंतर्गत इन बातों पर जोर दिया जिससे कि धम्म की प्राप्ति हो जाती है, की जा सकती है। इसके अलावा अशोक है वो अपने नौवें शिलालेख के अंदर ये कहता है
कि साधारणतः ये देखने में आता है कि लोग रोगों से है वो मुक्त होने के लिए या जो विवाह के अवसरों पर या पुत्र के जन्म पर या यात्राओं के अवसर पर है, विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक यात्रा करते हैं उसके अवसर पर है, वो मनुष्य अनेक प्रकार के मंगलाचरण है वो करते हैं। तो अशोक ये कहता है कि हालांकि मंगलाचरण करने चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे मंगलाचरणों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। और अशोक ये कहता है कि इन मंगलाचरणों के स्थान पर यदि व्यक्ति दासों के साथ, सेवकों के साथ यदि शिष्ट व्यवहार करे, गुरुजनों का आदर करे, प्राणों के साथ दयालुता का व्यवहार करे, तो धम की प्राप्ति हो सकती है। तो धम मंगल पर है वो अशोक है, वो जोर देता है मांगलिक कार्यों के अलावा, ये रिचुअल्स के अलावा है, वो धम मंगल पर वो बल देता है। इसके साथ साथ अशोक अपने 11वें शिलालेख में ये कहता है कि व्यक्ति को साधारण दान देना चाहिए, जो भौतिक वस्तुओं का दान है वो देना चाहिए, उसका महत्व है। लेकिन अशोक ये कहता है कि जो धम दान, जो 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 सामान्य दान है और धम दान के अंदर अशोक है वो 11वें शिलालेख के अंदर उसका अंतर प्रस्तुत करता है। वो ये कहता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो दान है उन दान में दान का सबसे उच्चतम रूप है, जो सुप्रीम रूप है, वो धम दान है। अर्थात किसी को धम के विषय में बताना कि अच्छा जो नैतिकता के जो नियम है जिसमें जैसे मैंने बताया कि दुष्कार्यों से बचना चाहिए, बहु से कल्याण करना चाहिए, करुणा, उदारता, सत्यता, पवित्रता, प्राणवान जंतुओं की हत्या नहीं करना, जीवों की क्षति नहीं पहुँचाना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, ये जो चीज़ें हैं ये इसके बारे के अंदर है, वो लोगों को बताना, ये धमदान है। तो ये धमदान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, सादा दान की अपेक्षा धमदान महत्वपूर्ण है। और ये धमदान कोई भी है, पिता पुत्र को कर सकता है, पुत्र पिता को कर सकता है, भाई भाई को कर सकता है, बहन बहन को कर सकती है, कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी धमदान कर सकता है। तो इस तरह से धम मंगल के स्थान पर है, उन्होंने किस प्रकार है वो जो जो दासों सेवकों के साथ शिष्ट व्यवहार पर बल दिया, और साधारण दान के स्थान पर उसने अशोक ने है वो जो धमदान की बात कही। इसी के साथ साथ अशोक, जैसा आप जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात है वो अब जो 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 युद्ध विजय है या युद्ध घोष की नीति है उसका वो किस प्रकार परित्याग कर देता है और उसके स्थान पर है वो धम घोष की नीति अपनाता है। तो अशोक ये कहता है कि धम विजय पर है वो एक तरह से क्या है कि उस पर बल देता है। अशोक ये कहता है कि मनुष्य को है वो प्रेमपूर्ण है, वो व्यवहार करना चाहिए, और अपने पड़ोसियों के साथ भी है वो एक तरह से है वो धम विजय की नीति अपनानी चाहिए। अर्थात क्या है कि एक तरह से लोगों को है वो लोगों को दिलों को जीतना चाहिए। 12वें शिलालेख में अशोक है वो धार्मिक शिष्टाचार की बात करता है, और एक तरह से वो एक तरह से क्या है कि अशोक ये कहता है कि मनुष्य को है वो एक तरह से क्या है कि विभिन्न धर्मों के प्रति है वो समान व्यवहार करना चाहिए, दूसरे धर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, वो धार्मिक शिष्टाचार की बात करता है। इसके साथ साथ अशोक है वो अहिंसा की बात भी करता है, और अशोक ये कहता है कि जो 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 व्यक्ति प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार अशोक है वो जो धर्म का है, धम्म का है, वो व्यवहारिक पक्ष है वो प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ धम्म का जो दूसरा जो पहलू है जिसके अंतर्गत अशोक ये कहता है कि विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो करेगा तो उससे धम्म की प्राप्ति नहीं होगी, धम्म को हानि होगी। इसलिए अशोक है वो धम्म की प्राप्ति के लिए बहुत से ऐसे कार्यों का उल्लेख करता है, ऐसी बातों का उल्लेख करता है जिसको नहीं करना चाहिए। तो अशोक है इसके लिए है वो आशिनव शब्द का अपाशिनव शब्द का उल्लेख करता है। अशोक अपने 3रे शिलालेख स्तंभ लेख के अंदर है वो आशिनव का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहता है कि आशिनव का अर्थ है वो पाप से है, और अर्थात कुछ एक हानिकारक जो एक तरह से विकार हैं उनको अशोक है वो एक तरह से क्या है कि आशिनव कहता है। और इसके अंतर्गत अशोक है वो चंडीय है, निष्ठुरता है, क्रोध है, जो जो माने है, ईर्ष्या है, इसको नहीं करने की वो सलाह देता है। अशोक ये कहता है कि व्यक्ति को ज़्यादा वायलेंस नहीं करनी चाहिए, क्रूरिटी नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ये अशोक ये कहता है कि इन विकारों से है वो मनुष्य को दूर रहना चाहिए। अशोक अपने 3रे स्तंभ लेख में कहता है कि मनुष्य अपने अच्छे कार्यों को ही देखता है, और अच्छे कार्यों को देख करके वो सोचता है कि ये उसने किया है, परंतु वह अपने जो पापों को नहीं देखता और नहीं ये सोचता है कि ये पाप उसने किया है। इसलिए अशोक ये कहता है कि
इन आशीनव पापों से बचना चाहिए, और एक तरह से पापों से बचने का जो सबसे बड़ा मार्ग अशोक ये बताता है कि व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, और आत्मनिरीक्षण करने के लिए अशोक अपने अभिलेखों के अंदर उसके लिए परीक्षा शब्द का उल्लेख करता है, और वह कहता है कि आत्मनिरीक्षण जो करने से करना चाहिए, और आत्मनिरीक्षण करने से मनुष्य अपने पापों को पहचान सकता है, और एक तरह से जो जो उनके पापों के बारे में उसको पता चलेगा, और उसका जो पश्चाताप करेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पाप है वो दूर हो जाएंगे। तो अशोक ये कहता है कि एक तरह से ये निषेधात्मक पहलू है वो धर्म का वो बताता है। इसके अलावा अशोक ये कहता है, अशोक है वो प्राणी, अशोक का जो धर्म है जिसके बारे में आप जानते हैं कि अशोक का धर्म न केवल एक तरह से मनुष्य के लिए था, अपितु समस्त प्राणी मात्र के लिए था, समस्त जीवों के लिए था, समस्त जीवों के लिए उसने परोपकारी कार्य किए। अशोक ने स्वयं इस बात पर जोर दिया। सातवें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने मार्गों के अंदर बरगद के पेड़ लगाए, मनुष्य और पशुओं दोनों को छाएं दे सके, आम के मैंने बाग लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं खुदाई, प्याऊ बनवाई, और जो मनुष्य और पशु दोनों के लिए एक तरह से क्या है कि उनको सुख प्रदान कर सके। अर्थात अशोक का जो धर्म था वो प्राणी मात्र के लिए था, और अशोक का जो धर्म था वो रूढ़िवादी क्रमकांडी जो दर्शन मूलक और जो एक तरह से नहीं था, और वो एक तरह से सरल विशुद्ध व्यवहारिक था, जिसमें जो सामान्य बातें थी जिससे व्यक्ति का है वो नैतिक जो उत्थान है वो हो सके। तो इस अशोक के धर्म को हम कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ था, और उसने उस वे ऑफ लाइफ में जीने का तरीका बताया कि किस तरह से व्यक्ति है वो उसमें अपने जो सामाजिकता है उसको किस तरह से प्राप्त कर सकता है, और किस प्रकार से अपने दायित्वों को है वो पूरा कर सकता है। तो अशोक के जो धर्म है उसका उसकी जो संकल्पना है वो अशोक के जो अशोक की जो वास्तविक उपलब्धि है वो मानी जाती है, और अशोक के जो धर्म अपनाने के पीछे है वो एक अशोक ने अशोक के पीछे एक सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो पैदा करना था लोगों के अंदर है, क्योंकि अशोक का धर्म का उद्देश्य ये था कि एक ऐसी एक प्राणी मात्र के मध्य के अंदर है वो मनुष्य के मध्य ऐसी मानसिक जो वृत्ति है वो क्रिएट हो जाए जिसके द्वारा है वो व्यक्ति है वो पारस्परिक जो व्यवहार है और जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसको वो समझ सके। तो इस उद्देश्य के कारण से है वो एक तरह से है अशोक ने धर्म का प्रतिपादन किया, और इसका कारण ये था क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और उसके साम्राज्य के अंदर विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं वो रहते थे जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते थे, देश की भावना ईर्ष्या और देश की भावना तेज़ी से बढ़ रही थी, और जिसके कारण से सारे विकास कार्य वो प्रभावित हो रहे थे। अतः अशोक है वो लोगों के अंदर एकता और सहिष्णुता की भावना वो जागृत करना चाहता था, और इसके लिए उसने अशोक ने राजा को एक पिता के रूप के अंदर है वो परिभाषित किया, और एक तरह से उन्होंने जो 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 युद्ध घोष की नीति को एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, और लोगों की एकजुटता पैदा करने के लिए उसने जो अपना व्यक्तिगत धर्म है वो बौद्ध धर्म है वो लोगों पर नहीं थोपा, अपितु एक ऐसी बातों का प्रचार प्रसार किया जिसके कारण से लोगों के अंदर एकता और सौहार्द की जो भावना है वो पैदा हो सके। तो इस तरह से अशोक का जो धर्म है वो एक प्रकार से नैतिकता के नियम था जो कि सभी धर्मों के अंदर है, वो हमें जो अच्छी बातें थी उनका वो प्रचार प्रसार वो कहता है, और जिसमें रिचुअल्स का है वो कोई स्थान नहीं था। तो एक तरह से जो 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 अशोक के धर्म के स्वरूप की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के जो धर्म है उसका जो नेचर है उसके विषय के अंदर है वो विद्वानों के अंदर बड़े मतभेद हैं, और वो अलग अलग प्रकार से धर्म को अलग अलग प्रकार से वो देखते हैं। जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार यदि फ्लीट की बात करें तो फ्लीट ये कहते हैं कि अशोक का जो धर्म था वो राजधर्म था, क्योंकि अशोक है वो अपने धर्म के अंदर है किसी प्रकार के बौद्ध धर्म है जो उसका व्यक्तिगत धर्म था या महात्मा बुद्ध है या बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत संघ वगैरह है उसका कोई उल्लेख नहीं करता है। और अशोक जो को धर्म है वो एक तरह से वो अपने धर्म के अंदर है वो या अभिलेखों के अंदर उन बातों का उल्लेख करता है जिससे जो जो कि राजा को करनी चाहिए। तो इस राजा एक राजा को अपने प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए वो अशोक के धर्म के अंदर वो बातें प्रलक्षित होती हैं, इसलिए उन्होंने राजधर्म की संज्ञा दी। लेकिन अशोक के धर्म को है वो राजधर्म है वो नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि अशोक के अशोक ने जो धम्म का पालन है वो जो अभिलेखों में किया उसमें उसने प्रजा से करने के लिए कहा, और वो अशोक का जो राजधर्म है यदि होता तो वो उसका स्वयं पालन करने के लिए कहता, तो प्रजा के लिए किया अशोक स्वयं अपने प्रजा के लिए है वो धम्म के पालन की बात करता है, इसलिए उसको राजधर्म नहीं कह सकते। जबकि हम विभिन्न प्रकार के अशोक के अभिलेख जिसमें रुमंदे अभिलेख में कहते हैं, रुमंदे अभिलेख से या अन्य अभिलेखों से ये बात प्रतीत होती है कि अशोक का रुझान था वो बौद्ध धर्म के प्रति था, इसलिए अशोक के धम्म को राजधर्म नहीं कह सकते, जो कि फ्लिट ने राजधर्म कहा। जबकि जो जो राधाकुंज मुखर्जी वगैरह है, स्मिथ है, त्रिपाठी वगैरह जो इतिहासकार हैं वो अशोक के धर्म को है वो सभी धर्मों का सार कहते हैं, और वो कहते हैं कि सभी धर्मों के अंदर जो बातें हैं वो अशोक के धर्म में मिलती है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक का धर्म है वो सार्वभौमिक धर्म था। लेकिन अशोक के धर्म को है वो सार्वभौमिक धर्म है कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में अशोक है वो अपने आप को डिफेंडर और जो बौद्ध धर्म का रक्षक और प्रचारक के रूप के अंदर वो बताता है, और उस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी उसने बहुत से कार्य किए, और उसके समय में बौद्ध धर्म है वो अपनी उन्नति के चरम सीमा पर पहुंच जाता है, इसलिए अशोक के धर्म को सार्वभौमिक धर्म कहना ही भी उचित प्रतीत नहीं होता। कुछ इतिहासकार जिसमें फादर हेरास वगैरह इतिहासकार है वो अशोक के धर्म को है वो ब्राह्मण धर्म कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की बहुत सी बातें हैं वो अशोक के धर्म में देखने को मिलती है। लेकिन अशोक के धर्म को ब्राह्मण विरोधी कहा जा सकता है, क्योंकि अशोक ने अपने अभिलेखों के अंदर यज्ञों और ब्राह्मण विरोधी क्रियाकलापों का उल्लेख है, वो एक तरह से यज्ञों का उल्लेख है या कर्मकांडी जो 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 रिचुअल्स है ब्राह्मण धर्म के उनका उल्लेख नहीं करता है। और गार्गी संहिता है उसमें तो अशोक ने एक तरह से क्या है कि अशोक के धम्म विजय की एक तरह से एक आलोचना भी की गई है, इसलिए यदि अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म होता तो गार्गी संहिता में अशोक की आलोचना नहीं होती, इसलिए अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म भी नहीं कहा जा सकता। अशोक के धर्म को भंडारकर सेनाट जैसे इतिहासकार हैं वो उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं, वो कहते हैं कि जो 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 अशोक का जो धर्म था वो उपासकों के लिए था, लेकिन उपासकों को का धर्म कहना भी इसको सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अशोक ने धर्म जो धर्म है की स्थापना है वो अपने अपने साम्राज्य में रहने वाले विभिन्न जातियों में एकता और समरसता स्थापित करने के लिए वो किया था, और उसके धर्म के अंदर है वो एक तरह से बौद्ध धर्म का जो जो विभिन्न सिद्धांत है उनका उल्लेख है वो नहीं मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक का जो धर्म है वो उपासक बौद्ध धर्म है वो भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक का धर्म है कि प्रकृति के विषय के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के जो जो इतिहासकार हैं उसके स्वरूप के विषय के अंदर है वो भिन्न भिन्न जो जो एक तरह से बातों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अशोक का जो धर्म है उसके विषय के अंदर है वो रोमिला थापर का जो कथन है वो काफ़ी उचित प्रतीत होता है। तो रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक का जो धर्म है वो तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक समाधान का एक समाधान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, और उसी दिशा के अंदर है अशोक के धर्म को है वो उसके शिव के द्वारा जो आविष्कृत एक वैचारिक धर्म है वो कहा जा सकता है। तो इस तरह से अशोक का जो धर्म है वो अशोक के धर्म से अलग था, अशोक का धर्म था वो व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत से कार्य किए, लेकिन अशोक ने अपने अभिलेखों के अंदर प्राणी मात्र के लिए जनता के लिए है जिस धर्म का प्रचार किया जिससे कि जनता का नैतिक उत्थान हो सके और विभिन्न लोगों के मध्य एकता की भावना है सहिष्णुता की भावना वह पैदा हो सके उसको स्थापित करने के लिए अशोक ने जिन बातों का है प्रचार प्रसार किया उसको अशोक के अभिलेखों के अंदर अशोक का धम्म है वो कहा जा सकता है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।